नमस्कार दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है डिस्प्ले प्रोसेसर है लास्ट टर्न पे हमने देखा देखा था इंटरेक्टिव एंड पेसिग्राफिंग और उसके बाद हमने उसको एडवांटेज देख लिए थे अब हम पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रोसेसर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखते हैं इसके बारे में इट इज एन इंटरप्रेटर और पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स डिस्प्ले ऑफ प्रोसेसर कोड इन पिक्चर इट इज वन ऑफ द फोर मेन पार्ट्स ऑफ द डिस्प्ले प्रोसेसर सबसे पहला पॉइंट इसका है के इसके डिस्प्ले प्रोसेसर आई रिपीट डिस्प्ले प्रोसेसर प्रोसेसर आप जानते ही हैं जब आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्प्ले प्रोसेसर की बात करेंगे कि किस तरीके से आपके जो इस, इस स्क्रीन होती है मोनिटर स्क्रीन बोल दीजिए टी स्क्रीन बोल दीजिए लैपटॉप बोल दीजिए वो किस तरह से काम करती है देखेंगे तो पार्ट्स डिस्प्ले प्रोसेसर के चार हैं डिस्प्ले द फाइल मेमोरी डिस्प्ले प्रोसेसर डिस्प्ले जनरेटर डिस्प्ले कंसोल। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो यहाँ पे दिखेगा उसके बाद ये अंदर का प्रोसेसर है प्रोसेसर के अंदर कंट्रोलर होगा कंट्रोल के अंदर जनरेटर होगा कि क्या चीज मतलब कहां पे दिखानी उसे जैसे मान लीजिए आपकी स्क्रीन है पूरी कंप्यूटर स्क्रीन आप चाहते हैं यहां पे कोई इमेज दिखे तो वो जनरेटर जनरेट करने वाला यहाँ पे आ जाएगा कि आपको सर्किल बनाना है ओवल बनाना है ट्राइंगल बनाना है क्या बनाना है तो कंट्रोल करना ये बताएगा कि ये जो है अगर ये आपका ओरिजिन है तो आपको कौन से एरिया पे डिस्प्ले कराना है मुझे तो एक्सट्रीम राइट right पे कराना है तो वो कंट्रोलर हेल्प करेगा और जनरेटर क्या करेगा डिजाइन बनवाने में हेल्प करेगा और कंसोल मतलब वो इस पूरे कलेक्टिवली को कंसोल बोलते हैं ठीक है कंसोल मतलब जहां पे आप आउटपुट को शो करते हैं कलेक्टिवली ठीक है जहां पे आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा उससे कौनसोल बोलेंगे ठीक है तो ये जो मैंने आपको बताया ये मैंने डिस्प्ले प्रोसेसर का आपको समझाया। अब इसके अंदर क्या क्या होता देखते हैं। डिस्प्ले, क्या होती है to, picture. Picture को करने काम आती है जैसा पे ग्राफिक एंटिटी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है अब जो नेक्स्ट है हमारा

It CRT, light pen, and मिले जुले रूप में बोलते हैं राइट right? अब आगे बात करते हैं द रास्टर स्कैन सिस्टम इज अम्बिनेशन ऑफ सब प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है अब हम बात कर रहे हैं जो मैं आपसे बोल रहा था प्रीवियस लेक्चर में रास्टर जिसको नहीं पता मैं बता दू पिछली बार पिछले दो लेक्चर में हम लोग रास्टर के बारे में बात कर रहे हैं रास्टर रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन रास्टर स्कैन में क्या होता है बच्चों में आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है राइट तो यहाँ पे ये लाइन गई फिर ये लाइन गई फिर ये लाइन गई फिर ये लाइन गई, गई इस तरह से ये ऊपर से नीचे आता है लेफ्ट से राइट जाता है फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट जाने के बाद ये यहाँ से टर्न लेता है फिर नीचे आता है फिर ऐसा चलता है फिर ऐसा आता है फिर ऐसे चलता है इस तरह से चलता रहता है ये ठीक है तो पहले ये लाइन चलेगी फिर यूँ घूमेगा ये फिर कर्सर यहाँ से आएगा फिर लेफ्ट से फिर लेफ़्ट से, से इस तरह से चलता है ये ठीक है तो ये रास्टर स्कैन ही होता है अब मैं डायग्रामेटिकली हाथ तो हाथ रैंडम भी बता देता हूँ ये आपकी स्क्रीन है रेंडम है मान लो आपको ट्राइंगल बनाना है तो सीधे सीधे जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो इस डायग्राम को बनाने के लिए हेल्प करेगी कि किस तरह से बनाना है ठीक है ये होता है यानी यहाँ पे कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनती कोई भी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनती है ठीक है ये हो गया इट्स ऑल अबाउट रैंडम स्कैन अब हम आगे बढ़ते हैं रास्टर स्कैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रोसेसिंग यूनिट रैंडम रेस्टर स्कैन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स का ऑपरेशन ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है कंट्रोल करता है इसलिए से कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो कंट्रोलर अब देखो इसकी वर्किंग देख लेते हैं देखिए ये आपका आईओ डिवाइस है आईओ डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं वो आपका स्क्रीन हो सकता है आपके कीबोर्ड हो सकता है आपका माउस ये जो भी आप सोच सकते हैं वो सब इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे वो सारे के सारे कनेक्टेड है सिस्टम बस से सिस्टम बस मतलब होता है कि वायर्स जब कलेक्शन ऑफ वायर होते हैं ना बच्चों उसे बोलते हैं बस तो सिस्टम बस मतलब कंप्यूटर के सारे केबल से कनेक्टेड है और ये जो बस है ये इससे क्या क्या कनेक्टेड है इससे आपका सीपीयू कनेक्टेड है प्रोसेसर कनेक्टेड है सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट यानी सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट मतलब जो हमारा सिस्टम है इसके मेमोरी को मैनेज करने वाला तो ये चीजें से सिस्टम बस से इस सारे केबल से कनेक्टेड है अब मैं डिस्प्ले प्रोसेसर की बात करता हूँ से ठीक है प्रोसेसर वो डायरेक्ट कनेक्टेड है फ्रेम बफर से और फ्रेम बफर कनेक्टेड है पिक्सल के द्वारा वीडियो कंट्रोलर से यहाँ कंट्रोलर जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे वीडियो कंट्रोलर में एज अ इलेक्ट्रॉन बीम काम आती है और इलेक्ट्रॉन बीम से यहां पर सीधे आप देख पा रहे हैं ठीक है तो ये हो गया आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर स्कैन अब यहाँ पे देखिए द ओरिजिन ऑफ लोवेस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इज द स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको जैसे ही बताया ये पूरी स्क्रीन पे देखिए जो ये एरिया है ये ओरिजिन है आपका

कि किस तरीके से एक फ्रेम बफर देखिए यहां पे किस तरीके से मैंने आपको बताया था ये देखिए फ्रेम बफर से कनेक्टेड था फ्रेम बफर आपके मेमोरी में से कनेक्टेड था उसके बाद रास्टर स्कैन जनरेटर कनेक्टेड है और कनेक्टर से मॉनिटर कनेक्टेड है यानी रास्टर स्कैन जनरेटर से मॉनिटर कनेक्टेड है ये मॉनिटर कलर लुकअप टेबल कलर लुकअप मतलब आर जी बी कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं आर जी बी कलर कॉम्बिनेशन से मिलकर के इन तीनों कलर से सारा आपके कलेक्शन कलर्स बन जाते हैं यानी 256, into 256, into 256 आपके स्क्रीन शो हो जाते हैं और ये फ्रेम बफर यूजिंग पिक्सल के द्वारा पिक्सल जनरेटर के द्वारा इन टेबल से कनेक्टेड और ये टेबल सीधे सीधे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है मोनिटर से देख पा रहे होंगे आप ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये सब मॉनिटर से कनेक्टेड दैट मीन जो भी कलर आपको दिख रहा है अभी मैं रेड कलर से कर रहा हूं तो आपको हाईलाइट होकर दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे ये सब कनेक्टेड है अब मैं बात करता हूँ मतलब, अभी, अभी, अभी अभी आपको बताया था कि ये जो वर्टिकल होगा ये आपका वाई को शो कर रहा होगा और हॉरिजॉन्टल आपको एक्स को शो कर रहा होगा ठीक है तो सेट और इंक्रीमेंट इन एक्स वैल्यू सेट और इंक्रीमेंट इन वाई वैल्यू मतलब अगर ये आपकी स्क्रीन है तो ये obviously ये वाई डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है और अभी भी मैंने बताया था ये ओरिजिन है तो इसका मतलब जो ये ऊपर वैल्यू जा रही होगी तो इंक्रीमेंट इन वाइव हो जाएगा और अगर हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा होगा तो इंक्रीमेंट इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा इस लाइन का मतलब ये है तो ये आपकी हेल्प करेगा फ्रेम में किस तरह से मॉनिटर में कोई चीज ऊपर या नीचे आती हुई दिख रही होगी चलिए ये हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस कौन कौन सी हैं